हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेरा यूट्यूब चैनल हरी टेक्निकल। और आप सब दोस्तों को मेरे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, नए नए दोस्त जो चैनल को देख रहे हैं, नीचे देखिए सब्सक्राइब लिखा है, उसको प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा दोस्तों, मैं फर्स्ट फर्स्ट जो भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अब मेरा लेटेस्ट वीडियो आप फर्स्ट फर्स्ट देख सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है, तो अपना मेरे चैनल को नीचे देखिए सब्सक्राइब है उसको प्रेस करना मत भूलिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो लाया हूँ, अगर आपका सर्किट जल जाए तो इसमें क्या क्या जल जाए और क्या क्या फॉल्ट आता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, दिखलाऊंगा, समझाऊंगा और इस एलईडी को किस तरह से ओके करेंगे। अगर आपका पास कोई भी इस तरह का कोई भी फॉल्ट आता है जो जल गया है सर्किट, उसको किस तरह से ओके करें मैं आप लोगों को बतलाऊंगा, दिखलाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये एक एलईडी है 9 वाट का है और ये लोकल कंपनी का है। देखिए, अंदर में ब्लैक कलर का हो गया है जलने के कारण। ये देखिए, जलने के कारण ब्लैक हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसको किस तरह से ओके करेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, दिखलाऊंगा, समझाऊंगा। और दोस्तों देखिए, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आया है मैं आप लोगों को बतला दूं। देखिए, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर देखिए फूल गया है, माने ख़राब हो चुका है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, रेजिस्टेंस तो जल के पूरा ये हो गया है, ठीक है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस जल गया है। और देखिए, इसका MOV का देखिए, MOV ब्लैक हो गया है, जल गया है, फट गया है, ठीक है दोस्तों। तो फिर ये देखिए, और ये देखिए, इसके MOV फटने से इसका ऊपर कुछ क्रीम टाइप में लग गया है, ठीक है दोस्तों, ये देखिए। हाँ, और देखिए, और इसमें ये जो जो सामान हम लोग को नज़र आ रहा है चेंज करने का, तो पहले हम लोग ये चेंज करेंगे, उसके बाद में हम लोग असेंबली लाइट देखेंगे कि ये ओके है कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो पहले देखिए, इसमें ये प्रॉब्लम है, पहले कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, MOV ये हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब बैक साइड में आप लोगों को दिखा दूं, ये देखिए ब्रिज रेक्टिफायर है, जो ये भी देखिए थोड़ा जला जला लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसमें इसको किस तरह से ओके करेंगे वो मैं आप लोगों को बतलाऊँगा, दिखलाऊँगा, समझाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों। पहले हम इस रेजिस्टेंस को बाहर निकालेंगे, ये भी पूरा जल गया है, ये देखिए, ये रेजिस्टेंस का हालत देखिए इसका क्या हुआ है। इसका ऊपर एक ब्लैक कलर का कवर लगता है, वो भी जल चुका है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ये देखिए कैपेसिटर, तो हम लोग कैपेसिटर निकाल के इसका वैल्यू देखेंगे। पहले कैपेसिटर निकाल लें, तो दोस्तों ये देखिए कैपेसिटर, और इसका मैं वैल्यू बता दूं आप लोगों को, ये है 80 वोल्ट 100 UF का है, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये देखिए एक MOV का है, तो इस MOV को भी हम लोग बाहर कर देंगे, ये पूरा जल चुका है, ये देखिए किस तरह से जला हुआ है MOV, तो MOV को निकाल देंगे। तो MOV का लेग कौन सा है, ये देखिए, ये दोनों लेग है, तो इसे बाहर कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, MOV का हालत देखिए, ये पर जल चुका है, ठीक है, इसको बाहर कर देंगे। अब दोस्तों, इसमें कुछ जला हुआ नहीं नज़र आ रहा है,
तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कैपेसिटर लगाएंगे, उसके बाद में रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए, मेरे पास एक चौक है जो ट्यूबलाइट जलाता है, उसका फ्यूज रेजिस्टेंस इधर में है, तो मैं इसी का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो इसको मैं वाप निकाल लूँगा, फ्यूज रेजिस्टेंस को। ये देखिए इसमें दो लगा हुआ है, एक ये रहा और एक मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो अब मैं इस फ्यूज रेजिस्टेंस को पहले इसमें लगा दूंगा, इसको इस तरह से लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसको सोल्डिंग कर देंगे। दोस्तों देखिए, ये इधर का जो अंदर का ये सामान रहता है जिसमें सोल्डिंग लगता है, वो ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, रेजिस्टेंस नहीं लगाऊँगा, इसको मैं ब्रिज रेक्टिफायर से डायरेक्ट जलाऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों लेकिन कैपेसिटर लगाना होगा ज़रूर, तो मैं एक दूसरा सर्किट से इसको निकाल लेता हूँ। सर्किट मेरे पास दो सर्किट है इस तरह टाइप का, तो मैं इसका पहले इस वाला कैपेसिटर का निकालूंगा। ये देखिए कैपेसिटर निकाल दिया हूँ मैंने, और इसका वैल्यू मैं आप लोगों को बता दूँ, 250 वोल्ट 6.8 UF, ठीक है। इसको मैं लगा के देखूँगा, इसका प्लस माइनस जरूर देख ले दोस्तों। ये माइनस का साइन होता है, इधर प्लस का साइन होता है। ये देखिए इधर माइनस का साइन है, तो मैं इसका माइनस माइनस में लगाऊंगा, प्लस प्लस में लगाऊंगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इसको मैं लगा दूं। तो दोस्तों ये कैपेसिटर लग चुका है, इसको मैं सोल्डिंग कर दूं। दोस्तों ये देखिए कैपेसिटर लग चुका है, अब मैं इसको टेस्ट करूंगा कि ये अभी क्या ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद में इसका आगे का प्रोसेसिंग में क्या होगा, प्रोसेस में बताऊंगा, पहले इसको टेस्ट किया जाए। ये सीरिंज लैंप, तो दोस्तों देखिए एलईडी एकदम ओके हो चुका है। इसमें मैं रेजिस्टेंस और एमओवी निकाल दिया हूं, तभी भी हमारा एलईडी ग्लो कर रहा है। देखिए इसका इसका स्लिप कैपेसिटर खराब था, और ये देखिए कैपेसिटर, एमओवी और रेजिस्टेंस, अब देखिए ये ग्लो कर रहा है। ये देखिए ये पूरा ओके हो चुका है। ये देखिए
एकदम ओके जल रहा है, एकदम बढ़िया जल रहा है दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिए दोस्तों। और इससे अच्छे अच्छे और मैं वीडियो लाऊंगा, आप लोगों को दिखलाऊंगा, समझाऊंगा, बतलाऊंगा। और आप देख के मैं अपना LED ओके कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों लेकिन इसमें मैं MOV दूसरा नया लगाऊंगा, क्योंकि वो प्रोटेक्शन के लिए होता है। MOV मैं लगाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉच हरी टेक्निकल। थैंक्स।